बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं NA 150 है और ये मुल्तान का हलका है। मेन अगर यहां पर बात की जाए तो ये मुल्तान शहर का दिल समझा जाता है, घंटाघर। यहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जैन कुरैशी साहब जो हैं वो यहाँ पर PTI के उम्मीदवार हैं और उनके मुतबादिल जो है मुस्लिम लीग नून के जवेद अख्तर ग्रुप है। पहले भी यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो MPA के शेख साहब हैं जवेद अख्तर के नीचे MPA के उम्मीदवार हैं यहाँ से, वो पहले भी यहाँ पे विन हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ मुल्तान में जाने के आवाम से कि वो वोट किसको देगी, क्या यहाँ से जैन कुरैशी जो है वो मुंतखब हो सकेगा या जो जवेद अख्तर अंसारी है वो ही मुंतखब होगा, इस हवाले से आज हम मुल्तान के सर्वे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने NA 150 में आवाम से जानना है कि आवाम किसको सपोर्ट करेगी। तो आइए मेरे साथ आपको आवाम से जानते हैं कि आवाम यहाँ पर किसको वोट देगी और किसको यहाँ से कामयाब करेगी, किसको देंगे। इंशाल्लाह शेर का, इंशाल्लाह वोट किस, जिंदाबाद शेर, शेर विन होगा। आप किस, हम PTI को, जी हाँ PTI विन होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी जी PTI, आप वोट किस, PTI इंशाल्लाह। तो BSD यहाँ से हम पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे, किसी को भी देंगे नहीं देंगे। आप वोट किसको, शेर जी। यार हम यहाँ से पूछ रहे हैं आप वोट किसको देंगे, नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ जी। आप वोट किसको देंगे, नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ, हाँ जी। अच्छा बुजुर्गों आप यहाँ पे वोट किसको देंगे, PTI को, PTI को। सलाम अलैकुम जी। भाईजान हम यहाँ पे पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे, वोट तो देंगे PTI को, PTI को। बाबा जी आप वोट किसको देंगे, भाई को, भाई को बताएं जी, किसको वोट देंगे, नून लीग, नून लीग को। आप वोट किसको, नून लीग भाईजान, नून लीग। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे, वोट, वोट उसको देंगे जो तो जो तस्वीर पड़ता है, तस्वीर वाले। आप वोट किसको देंगे, PTI आएगा। अच्छा भाई आप वोट किसको देंगे, शेर को देंगे जी हम तो, शेर को। हाँ से पूछ रहे हैं ये वोट किसको देंगे आप, वोट तो हम सर PTI को ही देंगे, PTI को। बाबा जी आप वोट किसको देंगे, एक है फैमिली, एक ही है। 70 साल से दोनों पार्टियों को आजमा आजमा के हम थक गए हैं, ये पिछले 4-5 साल PTI को भी, PTI इनसे बेहतर है, इनसे बेहतर है। आपका मकसद है PTI बेहतर है। आप बाबा जी वोट किसको देंगे, PTI है, आखिरी फैसला, ये आखिरी फैसला है, हम थक गए हैं दोनों पार्टियों से। 4 साल तो PTI रही है, 4 साल PTI में बहुत कुछ किया उसने, करने देते मैदान में, उसे भी मैदान में छोड़ते ना। चलो बाबा जी आप वोट किसको देंगे, पीपल पार्टी को, पीपल पार्टी को इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे, मैं 3 पे मुहर लगाऊंगा, इन चोरों को देख लिया है, आप 3 पे ठप्पा लगाऊंगा, अब इनको देखूंगा, 3 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, 3 भी तो पहले रह चुके, नहीं आप वो फिर देखेंगे दोबारा, ये तो 40 साल हुकूमत कार के गए हैं, फिर इन्होंने क्या किया है, एक दफा इनको और देख, 3 को इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे, सर हम तो इमरान खान को वोट देंगे, हाँ हमारी शान हमारी जान, इमरान खान, इमरान खान। आप वोट किसको देंगे, भाई हम पूछ रहे हैं ये वोट किसको देंगे आप, PTI को भाई, PTI पक्की। बाबा जी आप वोट किसको देंगे, PTI। आप वोट किसको, इमरान खान साहब, मुल्तान में पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे, वोट PTI को, PTI। आप वोट किसको देंगे, शेर को, शेर को जी। आप वोट किसको देंगे, PTI को। आप वोट किसको, देखो मौके का तक, अभी आपने फैसला नहीं, नहीं अभी कोई फैसला नहीं। किसको देंगे, नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ अच्छा बंदा है, देखो जी सनदकार है, काम शाम कराता है। आप वोट किसको, नून लीग को, नून लीग जी। यार हम ना यहाँ मुल्तान में पूछ रहे हैं कि वोट किसको देंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है मुस्लिम लीग नून का भी है कैंडिडेट और PTI का जैन कुरैशी साहब लड़ रहे हैं, तो आप वोट किसको देंगे। सर हमारी तो पहले तो इमरान खान के साथ थे जब तक उनकी पार्टी थी, अच्छा, तो अब जो है ना उनकी जगह जो इमरान खान साहब की जगह आएगा इधर हमारे हलके में,
इमरान खान का यहाँ पे तो जैन कुरैशी है। हाँ जी, उसी को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? सर मैं किसे नहीं देना वोट। देना ही नहीं है? किसे मौलवी नू, किसे जमात इस्लामी नू, किसे किसे नहीं दे दिया? की वजह है? यही वजह है कि देख रहे हो फलस्तीन का हिसाब किताब। तुसी आप समझदार हो, हर चीज का जेड़े हालात होए पे ने। आटा 150 रुपए किलो है, गरीब बंदे इतने 800 रुपए दिहाड़ी से काम करते पे हैं। साड़ी से रोटी नहीं पूरी हो रही, असं की इलेक्शन है जाना है या किसी ने की वोट देना? महंगाई से तंग। बिल्कुल ऐसे ही है, 800 रुपए दिहाड़ी में 24,000 महीने का बनता है, वो भी एक छुट्टी नहीं है, जब जाके गुजारा होता है। बच्चों की फीसें हैं, वो हैं, और 100 सामान होता है इंसान का, जरूरत की जिंदगी की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, खर्चे पूरे नहीं होते। हुकूमत बनेगी तो महंगाई कम। हुकूमत जिसकी भी बन जाए, रूटीन तो यही रहनी है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला। भले इमरान खान आ जाए, भले नवाज शरीफ आ जाए, जो भी होगा हुकूमत तो ऐसे ही चलेगी जैसे हमें, तो वही जो हिसाब चल रहा है वही चलेगा ना, हमारी तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। आपका कहने का मकसद है कि गरीब का नहीं सोचते? गरीब का नहीं सोच रहे, जब गरीब का कोई सोचेगा तो फिर गरीब भी किसी का सोचेगा। हम तो फिलहाल तो इरादा ही नहीं बना रखा वोट देने का, देखेंगे जैसे हल्के में जो होगा, जिसको दिल करेगा दे देंगे, लेकिन अभी पक्का ऐलान नहीं किया हुआ। हम यहाँ से ना ये पूछ रहे हैं, ये मुल्तान में, कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, जैन कुरैशी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के वो अख्तर अंसारी साहब हैं, तो आप वोट किसको देंगे? सर नून को देंगे सर। नून लीग में या नवाज शरीफ साहब? कहते हैं नवाज शरीफ ने पहले काम वाम नहीं किए। तो सर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, उसने वो काम किए हैं पाकिस्तान के जो आज पाकिस्तान खड़ा है, जो पिछले 4 साल में मुल्क बर्बाद हुआ है ना जी, उसका जला नवाज शरीफ कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो आपका मकसद है कि नून लीग यहाँ से विन हो? लीग इंशाल्लाह विन कर, जवेद अंसारी विन हो। आप किसको वोट देंगे? हम तो भाई जान वोट देख ही रहे हैं कि किसको देना चाहिए, लेकिन पीटीआई ने तो काम ही नहीं कराया मुल्तान में, तो आप लोगों को ही पता है। अच्छा, मुल्तान में ना एक चीज़ और बड़ी अहम है, हमने देखा है कि यूसुफ रजा गिलानी जब यहाँ से वजीर अजम बना, उसने मुल्तान की तकदीर बदल दी। अगले इलेक्शन में 18 वाले इलेक्शन में गिलानी खानदान पूरा ही हार गया, तो इसकी क्या वजह है? मुल्तान वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया अगर गिलानी बन जाता दोबारा, मकसद हो जाता तो वो काम वाम और ज़्यादा करवाता? वो बात आपकी बजाय कि आपको यही पता है कि यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुआ था, वो किस वजह से हुआ था? करप्शन की वजह से होता है, इसलिए अवाम उन्नास ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके जो बेटे यहाँ से मकसद है कि इलेक्शन लड़े थे, वो सारे ही हार गए? बिल्कुल सारे हार गए थे। अभी तो गिलानी साहब खुद लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है उनकी भी। नहीं मेहरबान। क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक। अच्छा, हम यहाँ मुल्तान में पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे जी? वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? पीटीआई को देंगे। पीटीआई बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे? वोट खान साहब का इंशाल्लाह भाईजान। आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई खान साहब। आप वोट किसको? पूरा पाकिस्तान पीटीआई। वोट किसको देंगे? इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन। आप खान साहब? खान साहब। आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह शेर को देंगे। पक्की बात है। आप वोट किसको देंगे? वोट नून को देंगे। आप वोट किसको देंगे? पीएमएलएन जी नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप वोट किसको देंगे? नून लीग। आप वोट की बच्चा है उसका तो बना ही नहीं है। क्या हाल है जी? यार हम पूछ रहे हैं यहाँ पे वोट किसको देंगे? हम तो इमरान खान को देंगे। आप वोट किसको देंगे? शेर को देंगे, झूठ बोल रहा है तो। शेर को देंगे? शेर को देंगे। शेर को। वोट किसको देंगे? मेरा तो अभी वोट ही नहीं बना। बना ही नहीं? गाड़ी नहीं बनाया। मेरी गाड़ी नहीं बनी। सपोर्ट किसको कर? बस देखो जो आएगा उसे ही करेंगे। यार हम यहाँ पे पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे? वोट जमात इस्लामी को। अच्छा भाई, आप वोट किसको देंगे? आई डोंट नो। बाबा जी, आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। नून लीग काम अच्छे किए इनके टाइम पे, हमने जो है 5 रुपए का अंडा खाया जो आज 40 रुपए का, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पहले ये था, बच्चा स्कूल से आता था तो माँ 5 का नोट दे देती थी, लिया भाई अंडा ला के खा ले, अब वो भी नहीं है। इसके टाइम पे हमने 55 रुपए किलो चीनी खाई है, इसके टाइम पे 165 रुपए घी खाया सुल्तान का, इसके टाइम पे 45 रुपए किलो आटा खाया, इसके टाइम पे 450 रुपए किलो गोश्त बड़े का लिया और 170 रुपए मुर्गी का गोश्त लिया, और क्या चाहिए हमें? और माशाल्लाह इसने बड़ा कुछ किया, बड़ा काम करने वाला, और ये ताजिर है और ये ताजिरों को समझता है। इसके साथ वही बंदा होगा जो ताजिर होगा, लफंगों का काम नहीं है इसके साथ, और ना लफंगे इसके साथ हैं।
समझ गए, इसके साथ सिर्फ ताजिर होगा, ताजिर करके खाने वाला होगा, मजदूर होगा, और ये गरीबों का हमदर्द है और गरीबों के साथ है। इंशाल्लाह हम शेर को लाएंगे, हर हालत में लाएंगे। नून लीग की हुकूमत, ये पूरा गढ़ जो है नून लीग का, इंशाल्लाह आगे रहेगा और आएगा। नून लीग, नून लीग जिंदाबाद। इतना लंबा चौड़े नहीं है, सिर्फ वोट पूछ रहे हैं। वोट क्या, किसको देंगे? पीटीआई। आप वोट किसको? तब्दीली खान। आप वोट किसको? भैया क्या दिया इन्होंने? हाँ अच्छा अच्छा, बाबा जी का इनसे पूछो, ये देखो फोटो। I love you. क्यों? खान ने क्या काम किए? खान का कोई काम गिनती का मुझे छोटो बड़े कारकुन है तो चल के नारा लगाएंगे चौक पे खड़े हो गए। हाजी हाजी शेर, शेर जुल्म के खिलाफ, जुल्म किसको देंगे? नवाज शरीफ। शेर को, शेर को। आप वोट किसको? इंशाल्लाह नून लीग को। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। आप वोट किसको? शेर को देंगे इनको। आप वोट किसको देंगे? शेर मियां साहब। आप वोट किसको देंगे? बब्बर शेर। बब्बर शेर नहीं देगा और किन देगा? जिंदाबाद। ये हम पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे आप? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। आप वोट किसको? शरीफ को। नवाज शरीफ।